आज हम बनाएंगे कस्टर्ड, जो कि बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मेहमान आ जाए तो 5 मिनट में कस्टर्ड तैयार कर दो, तो बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो चलिए बनाते हैं आज कस्टर्ड। इसको बनाने के लिए ये आधा लीटर दूध हमने लिया है कढ़ाई में, जिसको हम बॉईल होने रख देते हैं। इसको हमने बॉईल होने रख दिया दूध को, जो हमने कढ़ाई में लिया था। और बाकी ये दो आधा कप के करीब, आधा पौन कप के करीब दूध ये है जिसको हमने अलग ये लिया है। और ये है 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड, और ये है कुछ काजू, और ये है कुछ बादाम जिसको हमने कट कर लिया है, क्रश कर लिया है। और ये है सेब एप्पल, जिसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। और ये अंगूर है, मैंने इनको 2 पीस कर लिए हैं, एक अंगूर के 2 भाग में कट कर लिया है। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकती हैं, बिना कट किए भी डाल सकती हैं। और फ्रूट्स आपकी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग और भी फ्रूट्स, जैसे अनार है, केले हैं, पपीता है, और भी फ्रूट जो भी आप डालें डाल सकती हैं। और तो चलिए, हमने दूध को बॉयल होने रख दिया है उसको, और ये जो कस्टर्ड है इसको हम, ये वाला जो दूध है इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कभी भी जो बॉयल होने दूध रखा है अपनी कढ़ाई में, उसमें कभी भी कस्टर्ड को मत डालिए डायरेक्ट, उससे आपके जो कस्टर्ड है उसमें लम्स हो जाएंगे और आपका कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा। और इसकी जो मात्रा है कस्टर्ड की, वो जैसे आधा लीटर दूध हमने लिया है और ये थोड़ा सा दूध अलग लिया, इसमें मैं 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। आप अगर 1 लीटर का बनाते हैं तो 4 छोटे चम्मच डाल सकती हैं, तो इसी हिसाब से डालिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा अगर आप ज़्यादा डालेंगी तो। और ये जो मेरा कस्टर्ड है ये वनीला फ्लेवर का है, कोई भी फ्लेवर हो ये आपकी चॉइस है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब जो हमने कढ़ाई में दूध रखा है वो हमारा बॉयल हो रहा है, उसको पहले बॉयल होने देते हैं। और ये 4 छोटे चम्मच हमने चीनी ली हुई है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दूध में अच्छे से उबाल आ गया है, दूध हमारा उबलने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ है उसको इसमें डालते जाएंगे, उसको इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए और इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे पहले और इसको चला लेंगे। चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है, अगर आपने चलाना बंद कर दिया तो ये नीचे लग जाएगा, जम जाएगा और जलने की स्मेल आने लगेगी। तो इसको इसी तरीके से डालना है और चलाते रहना है। तो हमने सारा कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था घोल के, वो सारा इसमें ऐड कर दिया है। चीनी हमने रखी हुई है, इसको भी हम मिक्स कर देंगे और चला देंगे। तो चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है, और ये देखिए फिर से हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है ये दूध कस्टर्ड। और अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं, ज्यादा हमें नहीं पकाना है, नहीं तो इस जो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसको नॉर्मल होने देते हैं, यानी कि इसे ठंडा होने देते हैं। कढ़ाई से हमने इसको पलट लिया है एक सर्विंग बाउल में, और ये अब हल्का गर्म रह गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो इसमें मैंने ये 2-3 इलायची कूट के डाली हुई हैं, आप पाउडर भी डाल सकती हैं। और उसके बाद अब ये हम जो फ्रूट्स हैं इनको मिक्स कर देंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी मिक्स कर देंगे। ये जरा से हमने गार्निश के लिए रख लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। अब इसको हमें फ्रिज में रखना है 3 से 4 घंटे के लिए, रख देती हूँ मैं।
अगर फ्रीजर में रखना है तो 1 घंटे के लिए रख दीजिए, और फ्रिज में रखना है तो 2-3 घंटे 3-4 घंटे के लिए रखना पड़ेगा, तब अच्छे से ठंडा होगा। तो मैं फ्रीजर में नहीं रखूंगी, मैं फ्रिज में ही रखूंगी, तो मैं जा रही हूँ इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अभी 3 घंटे समथिंग हो चुके हैं इसको फ्रिज में रखे हुए, चलिए देख लेते हैं अब इसको। तो ये देखिए अब कितना थिक हो गया है, और इसकी जो अब थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा थिक भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए इसको सर्व करते हैं। टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, और बहुत जल्दी बन भी जाता है, तो कोई आ जाए तो फटाफट से बना दीजिए। और इसमें थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है खाने के लिए, हेल्दी और टेस्टी कस्टर्ड। तो आप लोग ट्राई करना। अच्छा, आप लोग बनाते कि नहीं बनाते मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? और किस तरह की रेसिपी आप देखना पसंद करेंगे वो बताइएगा, तो मैं बनाने की कोशिश करूंगी और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।